चेतक सेंटर के एक छोटे से कमरे में जब विनय जी ने मुझे ये कहा कि अभी WWW वेब और इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा है, क्या ये इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी वाले लोगों के लिए रहेगा या बिना भारतीय भाषाओं के सफल हो सकता है क्या? जब इंटरनेट अपनी शुरुआती अवस्था में था, लोग वेब को ही नहीं जानते थे, इस पर अधिकार अंग्रेजी वाले लोगों का था, उस समय भारतीय भाषाओं को इस पर लाने की कल्पना करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कल्पना थी। जब सारी चीज़ों की रिसर्च की तो ये मालूम हुआ कि देश में प्रिंट होने वाले 10 बड़े समाचार पत्रों में 8 समाचार पत्र भारतीय भाषाओं के। इस बात ने इतना उत्साहित किया कि जब सालों से चलने वाले समाचार पत्र बिना भारतीय भाषाओं के नहीं चल सकते हैं तो अंततः नेट भी बिना भारतीय भाषाओं के साथ नहीं चलेगा, के बिना नहीं चलेगा। इस कल्पना को ध्यान में रख के सबसे पहले ई पत्र करके एक ईमेल की सुविधा शुरू की। वो समय बहुत चुनौतियों का था, बहुत चैलेंज का था, कोई टूल्स नहीं थे, किसी भी तरीके से कोई कीबोर्ड नहीं था, कोई मानक नहीं थे, थोड़ी बहुत लोग DTP करते थे और बड़ी अविश्वसनीय सी चीज़ ये लगती थी। धीरे धीरे इसमें कई उतार चढ़ाव आए, धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा कि बढ़ते हुए नेट के साथ हिंदी अपना स्थान नेट पे जरूर बनाएगी। दुर्भाग्य से 2002 में .com की बस्ट .com का बुलबुला फूट गया, तब ऐसा लगा कि इसको कुछ समय ज़्यादा लगेगा, पर आज पीछे मुड़कर देखकर लगता है कि हिंदी की ब्लॉगिंग, हिंदी का और दूसरी भारतीय भाषाओं का नेट पे प्रयोग नए नए लेखकों को, नए नए ब्लॉगर्स को, नए नए विचारों को जन्म दे रहा है और ये एक स्वप्न, ड्रीम कम ट्रू, एक स्वप्न सही साबित होने जैसा है और ये मन में बहुत उत्साह दे रहा है। आगे जिस तरह से नेट में तकनीकी परिवर्तन होने वाले हैं, 3G और 4G आने वाला है, तो इसका प्रयोग इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आज भी हम गांव-गांव से सुनते हैं कि गांव में ये खबर फैल गई, व्हाट्सएप से गांव में ये खबर फैल गई। इससे मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तानी व्यक्ति, भारत का एक व्यक्ति इन सब टेक्नोलॉजिकल टूल से किस तरह से वाकिफ हो चुका है, युवा वर्ग किस तरह से इन सब चीज़ों से वाकिफ हो चुका है। तो 15 साल में जो उन्नति या जो ग्रोथ वेब दुनिया की और भारतीय भाषाओं की नेट पर हुई है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि अगले 15 महीनों में इससे ज़्यादा ग्रोथ इन नए तकनीकी चीज़ों से हो जाए। तो भारतीय भाषाओं का भविष्य नेट पर बहुत उज्जवल है और वेब दुनिया का भविष्य तो चूँकि उन्होंने शुरुआत की है और वो पायोनियर है तो वो उज्जवल रहेगा ही। दो वर्ष जब मैं वेब दुनिया से जुड़ा रहा वो मेरे जीवन के इतिहास के स्वर्णिम वर्ष हैं और मुझे आज तक भी गुदगुदाते हैं कि इस क्रांति, इस हिंदी क्रांति, नेट पर हिंदी क्रांति में मेरा एक छोटा मोटा योगदान रहा है। मैं वेब दुनिया की टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ इस सफलता के लिए। मैं व्यूअर्स, जो भी वेब दुनिया के व्यूअर्स हैं जिन्होंने वेब दुनिया को पेट्रनाइज किया इतने समय तक, उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और इस विश्वास के साथ शुभकामनाएं देता हूँ कि वेब दुनिया का परचम इसी तरह से फैलता रहेगा और जो प्रगति वेब दुनिया की पिछले 15 साल में हुई है उससे कई गुना ज़्यादा प्रगति अगले 5 साल में हमको देखने को मिलेगी।